क्या हो गया इस लड़की को? कौन है ये? इसे क्या हो गया? पानी देना जरा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? आमी बारी जेते चाहिए। थोड़ा साफ बोलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आमी बांग्ला जानी। अमर एक तो सहाज्य करुन, तारा अमर धर्म नाश करे छे, अमा के बाच ये क्या बोल रही है? इसका रेप हो गया। अब सवाल ये था कि ये लड़की कहाँ से आई और आखिर इसका बलात्कार करके किसने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था? हेलो, आप मिसेस गांगुली बोल रही हैं? जी हाँ। आप भारत विद्या कॉलेज में बंगाली पढ़ाती हैं? आपका? जी, मैं बॉम्बे कोर्ट का क्लर्क धीरज गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारे एक केस आया और उसमें एक बंगाली ट्रांसलेटर की जरूरत है। कोई क्रिमिनल केस है? दरअसल एक बंगाली लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और वो ना तो हिंदी जानती है और ना ही इंग्लिश। देखिए, आई एम सॉरी पर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इन दिनों। ठीक है मैडम, थैंक यू। कौन था माँ? कोर्ट से फोन था। आपको क्यों आया? किसी केस के सिलसिले में आया। बताओ ना, कैसा केस? वो किसी लड़की का रेप केस है, किसी ट्रांसलेटर की जरूरत थी। तो आपने मना कर दिया? ऑफ कोर्स मना कर दिया, एग्जाम सर पर है, इतना सारा काम है मुझे करने को, कैसे करूंगी? और वैसे भी मुंबई में उन्हें आसानी से एक बंगाली ट्रांसलेटर मिल जाएगा। विक्टिम बंगाली लड़की है क्या? एक सेकेंड ना माँ। आई होप माँ कि वो ये केस ना हो। आपको इस केस के बारे में नहीं पता? किसी ने इसका बलात्कार करके इसे फेंक दिया। इतना ही नहीं, पुलिस तो केस तक नहीं ले रही थी। और बेचारे की किस्मत तो देखो, अब उसे ट्रांसलेटर ही नहीं मिल रहा है। आप प्लीज इसकी हेल्प कीजिए ना, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है बेचारी। मैं जानती हूँ आपसे अच्छा तो इसे और कोई मिल ही नहीं सकता, प्लीज। मिस्टर धीरज जी, मैं प्रोफेसर अनुराधा गांगुली कॉलेज में बांग्ला पढ़ाती हूँ। हाँ, मैंने ही आपको कल फोन किया था। सॉरी, मैं कल सोच नहीं पाई थी, पर अब मैं इस केस के लिए ट्रांसलेटर का काम करने को तैयार। अभी तो मैंने ट्रांसलेटर रख लिया है, फिलहाल आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, आप यहाँ आई के लिए धन्यवाद। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। यही रुखसार खातून है? जी सर, और सरकार की तरफ से मैं ही इनका वकील हूं। कोर्ट ने एक ट्रांसलेटर मांगा था, क्या आपको कोई ट्रांसलेटर मिल गया है? यस योर ऑनर, सरकार की तरफ से ये है मिस्टर आलोक मुखर्जी। योर ऑनर, मैं बोरीवली के एक प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक हूँ और बंगला भी पढ़ाता हूँ। इनके कुछ डॉक्यूमेंट और प्रूफ हैं? यस सर। ठीक है, हम प्रोसीड करते हैं। बोल सबाई के की हुए चिलो तोर साथे? जखन ओरा आमार धर्मनाश करे चले गेलो तो आमी पालालाम, आर
কিছু লোকের আমার সাহায্য করলো, সেইভাবে আমি এখানে পৌঁছালাম। রুকসার খাতুন ইসমে কে রহি হ্যায় কি ইয়ে পশ্চিম বঙ্গাল কি হ্যায় জিনকো লুটা গিয়া থা, ফির উসকে বাদ ইয়ে কুছ লোগো সে মিলি জিনহোনে ইনকি মদদ কি। কিসনে কিয়া থা? ক্যা আপ কিসি কো পহচানতি হ্যায়? আপকো কিসি কে খিলাফ কুছ কহনা হ্যায়? তোর কারো সম্বন্ধে কিছু বলার আছে? হ্যাঁ, ওই যে মামু, ফাজলু আর ওর সাথীরা। ইয়োর অনার, ইয়ে আপনি ঘর বাপস জানা চাহতি? আচ্ছা, পর মুঝে লাগা কি শায়দ উসনে কিসি কা নাম লিয়া হ্যায়। হ্যাঁ ইয়োর অনার, ইয়ে ইন লোগো কে সাথ জানা চাহতি। ইয়ে ঝুট বল রহে স্যার, लड़की कुछ और बता रही है और न जाने क्यों ये कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, ये कोर्ट है और कोर्ट में आप इस तरह से बातें नहीं कर सकती हैं। आप इन्हें बोलने दीजिए। सर, मैं अनुराधा गांगुली मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज की बांग्ला की प्रोफेसर हूँ। और सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, मिस्टर मुखर्जी भी एक्सपर्ट है, ये प्राइमरी स्कूल के टीचर है। आप एक मिनट रुकिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मिसेस गांगुली, आपको पहले भी इस केस के ट्रांसलेटर के तौर पे काम करने के लिए कहा था, आपने ना कहा था। जी सर, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं इस केस में मदद करने के लिए तैयार हूँ। मिसेस गांगुली, इस काम में आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप फिर भी ये काम करना चाहेंगी? जी सर, इस देश के नागरिक होने की हैसियत से मैं अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे बताया गया कि इस केस के लिए ट्रांसलेटर को पहले ही अपॉइंट कर लिया गया है। अभी आप कुछ कहना चाहते हैं? मिस्टर मुखर्जी भी एक्सपर्ट है इस चीज में, लेकिन मुझे लगता है कि मिसेस गांगुली सीनियर हैं। आज केस का पहला दिन है और मैं चाहता हूँ कि ट्रांसलेटर का काम अगर वो करें तो मैं उन्हें पहले मौका देना चाहूँगा। ओके मिस्टर शर्मा, आप मिसेस गांगुली की डिटेल्स ले लीजिए और एक हफ्ते बाद यानी 2 मार्च मंगलवार तक यह अदालत बर्खास्त की जाती है। तब तक रुखसार खातून की दूसरी स्टेटमेंट मिसेस गांगुली ट्रांसलेट करेंगी और कोर्ट में पेश करेंगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। তুমি কি বাঙালি? হ্যাঁ, আমি বাঙালি। তুমি আমার উপরে বিশ্বাস করতে পারো। ये ये भी आपने क्या बोला? मैंने कहा ये मुझ पर विश्वास कर सकते। देखिए मैडम, ये एक क्रिमिनल केस है और आप महज एक ट्रांसलेटर के तौर पर, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ऐसी कोई भी निजी बातें मेरे मुवक्किल रुखसार जी से ना कहें। थैंक्स। अब मैं अपना काम शुरू करूं? হ্যাঁ রে মা, তুই কি কিছু খেয়েছিস? আপ अगर मेरे मुवक्किल से ऐसे करीबियां बढ़ा लेते हैं तो इनका स्टेटमेंट निष्पक्ष नहीं होगा। देखिए सर, ये जो कुछ भी कहेगी ना, मैं एग्जैक्टली वही ट्रांसलेट करके दूंगी, वर्ड टू वर्ड। अब अगर मैं इसे खाने के लिए पूछ लेती हूँ तो यकीन मानिए, इससे मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए मैं, कहीं ऊंच नीच हो गई ना तो परेशानी मुझे ही झेलनी पड़ेगी। अब मैं कोई टाइपराइटर तो हूं नहीं, जब तक मैं इस लड़की को अच्छी तरह से समझ नहीं लेती, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करती है ये जान नहीं लेती, तो मैं कैसे अपने काम को शुरू कर सकती हूँ? समझ गई, आपके पास बहुत वक्त है बर्बाद करने के लिए, तो आप कीजिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। আর চিন্তা করিস না, যা কিছু তোর সাথে হয়েছে সব বল। एक रिसर्च के अनुसार 2006 से 2007 में देश में बलात्कार की रिपोर्ट्स 7% से भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर उसके बाद 2010 में 2009 के मुकाबले यह आंकड़ा 3.5% बढ़ गया। बलात्कार के अपराध से हमारा देश पिछले कुछ सालों से ग्रस्त रहा है। ऐसे ही कई केसेस तो शायद
रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन्हीं आंकड़ों से जुड़ी थी रुखसार मोहम्मद की किस्मत। उसकी अस्मत तार तार की, लेकिन इंसाफ की चाहत उसके जहन में जिंदा थी, और उसके लफ्ज इस चाहत के आड़े आ रहे थे। वो हिंदी में अपने दर्द को बयान नहीं कर सकती थी। जुल्म की एक दर्दनाक दास्तान हिंदी ना बोलने की वजह से दबती जा रही थी। इंसाफ के मंदिर में होने के बावजूद सच की बांह मरोड़ी जा रही थी। आखिर क्यों रुखसार के बयानों को घुमा फिराकर अदालत को गुमराह किया जा रहा? आखिर क्यों अदालती जिरह को जिल्लत की शक्ल देकर रुखसार की हिम्मत को तोड़ा जा रहा था? भाईजान, खाने वाले 7 आदमी हैं और कमाने वाले सिर्फ 1, ऐसा कैसे चलेगा और कब तक बताइए? असल में मेरा लड़कियां तो हमेशा से ही पराया धन होती हैं, और अब तो दीदी भी नहीं रही, भगवान के घर जा चुकी हैं। अब इस हिसाब से रुखसार का दायित्व हमारे सिर पर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे हिसाब से चलिए तो सब ठीक हो जाएगा। रुखसार की शादी, खाना पीना, दवा, कपड़े वगैरह, सब की जिम्मेदारी मेरी, मैं सब संभाल लूंगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो कमाएगी और आपको भी भेजेगी। ठीक आचे। बाबा, अमे चाबो ना। मुझे अपने गांव से 13 नवंबर 2005 को मुंबई लेकर मेरे मामा गुलाम रजा आए थे। वो यहाँ काम करते थे और मामा ने मुझे अपने साथ ही यहाँ की एक झोपड़ पट्टी में रखा। सबसे पहले तो मैं गुलाम रजा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मामा होने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ अपनी झोपड़ी में रखा और कई बार मेरा बलात्कार किया। अर्जिश करो के देखी अबे जावार तो हो ही गेलो पुरने। ये चुप कर ना, ये ऐसे नहीं मानेगी। क्या है हीरो बंदर, हमको पूछता है क्या हो रहा है? बताइए, हमें सब पता है तू क्या करता है यहाँ पर। मेरी बीवी है, वो परेशान कर रही थी इसलिए एक लगा दिया, बस और कुछ नहीं है भाई। ले चलो उसको पुलिस के पास। अरे पुलिस का है का बीच में यार? लोग चिंता मत करो, मैं इसको लेके जाता पुलिस स्टेशन अपने ऑटो में। ओसे, तुम वो लड़की को लेके आओ। मुझे उन लोगों ने ऑटो रिक्शा में बिठाया और वहाँ से लेकर चल दिए। मुझे उस वक्त लगा कि अब मैं शायद अपने घर वापस जा पाऊंगी। उन लोगों ने मामा को मारा था तो मैंने उन्हें बताना चाहा कि मैं कौन हूँ, लेकिन उन्हें मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही थी। फिर ऑटो कुछ दूर जाकर रुक गया। चल, चल पुलिस स्टेशन। अरे भैया, पुलिस को बीच में क्यों ला रहे हो? भाई मैंने कुछ, या मेरी बीवी है ये, मैंने गुस्से में दो हाथ लगा दिया बस और कुछ नहीं किया। एटा एटा हमारे मामा है, আমাকে চোর করে এখানে নিয়ে এসেছে, আমি বাড়ি যেতে চাই। চুপ কর না একদম। ভাই মুঝে মাফ কর দো ভাই, ভাই মানে মানে কুছ নেই কিয়া ভাই, মানে মানে কুছ নেই করুঙ্গা, মানে সচ কহ রহা হুঁ ভাই, মানে কুছ নেই করুঙ্গা, পুলিশ কো বীচ মে মত লাও ভাই। ये ले पकड़, निकल इधर से। इस आदमी का नाम फजलू था और इसने कुछ पैसे देकर मुझे मामा से खरीद लिया था। मैं गुलाम रजा के साथ साथ फजलू के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करना चाहती हूं। फजलू और मेरे मामा मुझे फजलू के एक कमरे में लेकर गए। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए और 3 दिन तक ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। 3 दिन तक उन्होंने ना मुझे कुछ खाने को दिया ना पीने को। ले, तेरे लिए खाना लाया हूं।
मैं तेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना लाऊंगा, नए नए कपड़े भी दिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। एक पर मैं भी बोल बोलना कह रही है क्या? उसके बाद फसलू ने मेरा बलात्कार किया और फिर योर ऑनर, मेरे वकील ने अपने स्टेटमेंट में गुलाम और फजलू के खिलाफ बयान दिए, तो मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें पुलिस रिमांड में लिया जाए और इनके खिलाफ गबन और बलात्कार का केस चलाया जाए। लेकिन सर, स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर शर्मा, पूरा स्टेटमेंट लेने के बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा, आप बीच में मत बोलिए। यू प्लीज प्रोसीड। जी सर। अगले दिन जब मैं सो के उठी तो फजलू ने मुझे एक जोड़ी कपड़े दिए और मुझे अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर एक बूढ़े आदमी के पास ले गया। किसने दिन में मेरे साथ बलात्कार किया? एक मिनट, क्या वो तीसरा आदमी इस वक्त कोर्ट में मौजूद है? क्या रुखसार खातून उसे पहचान सकती है? सुनो, तुम्हें कि वो लोकटा के चिंते पार पे वो कि एखाने आछे? ओके, यू प्रोसीड। सर, इसी बलदेव के घर पर बलदेव ने और फजलू ने रुखसार का बार बार बलात्कार किया। माय लॉर्ड, ये मेरे मौकिल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे मौकिल को थोड़ा वक्त दिया जाए। ठीक है, अभी हम लंच ब्रेक ले लेते हैं, 1:30 बजे कोर्ट की कार्यवाही दोबारा शुरू की जाएगी। अब तक रुखसार के बयान में 3 आरोपियों का नाम सामने आया था। इन तीनों में से एक तो खुद रुखसार का सगा मामा था और मुंबई लाने के बाद इन तीनों ने रुखसार के साथ हैवानों की तरह बर्ताव किया, उसे मारा पीटा और उसका बार बार बलात्कार किया गया। यह बहुत बड़ा खुलासा था जो अब तक इस केस में जज साहब के सामने नहीं आया था। लेकिन रुखसार ही का वकील क्यों बार बार सुनवाई रुकवाने की कोशिश कर रहा था? क्यों जैसे ही अनुराधा कोई भी नया पहलू जज साहब के सामने पेश कर रही थी, वो वकील बेचैन हो जा रहा था और बार बार खुद अपने ही मुवक्किल के खिलाफ बोलने लग रहा था। अनुराधा खुद भी वकील के तौर तरीके से सतर्क हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने रुखसार का पूरा बयान उन्हें नहीं सुनाया था और केस का पूरा खुलासा सीधे कोर्ट में जज साहब के सामने ही किया। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनके इस बयान से पुलिस डिपार्टमेंट भी उनके खिलाफ खड़ा होने वाला था। बशु, वेरी गुड, यू वर गुड देयर, खूब भालो करेछो। देखो, खूब बात अभी शॉप शेष हो गई। ये अंदर क्या चल रहा था? आप करना क्या चाहती है? जी? आपने अपने स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है वो मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब? आप बाहर जाकर वेट कीजिए, मुझे मेरे वकील के साथ बात करनी है। मैं बाहर जाकर वेट करूं? क्यों? और आप इससे बात कैसे कर सकते हैं? आपको तो इसकी भाषा ही नहीं समझ में आती। बस ओ गांगुली मैडम, क्या कर रही है आप? इतना तकलीफ क्यों उठा रही है? माँ लोपा तुम्हें टिफिन। ओ गांगुली मैडम, ये आपकी बेटी है ना? हाँ? मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी भी इसकी तरह कोर्ट में आकर बयानबाजी करे। हाँ? समझ गई ना? क्या है ना मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपकी बेटी की रेप स्टोरी भी आपको ही ट्रांसलेट करना पड़े। देखिए मैडम, हम आपको समझा रहे हैं और इससे ज्यादा समझाना हमें नहीं आता। रुखसार खातून को कोर्ट में पेश किया जाए। योर ऑनर, मिसेस गांगुली की तबीयत कुछ खराब हो गई है, तो मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि हमें 1 हफ्ते की मोहलत और दीजिए।
अभी आधा घंटा पहले थे और मिसेस गंगोली की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं, बस उन्हें कुछ चक्कर आने लगा था। मुझे नहीं सर, मेरी बेटी को। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है सर। मैं रुखसार खातून के स्टेटमेंट को आगे पढ़ना चाहूंगी सर। प्रोसीड। रुखसार खातून की कोर्ट से ये दरख्वास्त है कि जब तक उसके बयान को पूरा न पढ़ लिया जाए, सेशन को बीच में न रोका जाए। ठीक है, आप आगे पढ़िए। ये औरत मान नहीं रही है। अगर वो औरत मान नहीं रही है तो जाओ उस लड़की को समझाओ। फजलू और बलदेव ने फिर पूरे दिन और रात मेरे साथ बार बार बलात्कार किया और फिर बीच रात में दोनों सो गए। अगले दिन फजलू मुझे वापस अपने कमरे पे ले गया, वहां उसने मुझे नहाने दिया और फिर थोड़ा सा कुछ खाने को दिया। बहुत दर्द में थी और मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन उस रात फजलू जब लौटा तो मुझे फिर से ऑटो में बिठाकर निकल गया और अपने घर से थोड़ा सा ही दूर जाकर उसने ऑटो रोक दिया। मैंने उस जगह को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। उसके बाहर एक दो पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में खड़े थे और फजलू ने उनमें से एक को इशारा करके अपने पास बुलाया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन वर्दी में एक पुलिस वाले को देखकर मैं चीखना चाह रही थी, उससे मदद मांगना चाह रही थी। लेकिन तब तक वो पुलिस वाला ऑटो के पास आ चुका था। उसने मुझे देखा और फिर फजलू को देखने लगा। मैं अपनी इस कंप्लेंट में उस पुलिस वाले पर भी केस करना चाहती हूं। उस पुलिस वाले ने और उसके एक साथी ने उस दिन मेरे साथ बलात्कार किया था। माय लॉर्ड, मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ने को ही नहीं दिया गया। ये एक नया ही पहलू है जो मुझे पता नहीं लेकिन क्यों ये अनुराधा जी ने मुझसे छुपा के रखा। माय लॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल के केस लड़ने के लिए भी तैयार नहीं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे तैयारी करने के लिए कुछ और वक्त दिया जाए। आपको तैयारी के लिए बाद में पूरा मौका दिया जाएगा। मिसेस गंगोली, क्या रुखसार खातून को पक्का पता है कि वो पुलिस वाले ही थे? जी योर ऑनर, रुखसार का कहना है कि वो उस पुलिस चौकी को पहचान लेगी, क्योंकि उसी चौकी के अंदर उन पुलिस वालों ने रुखसार का बलात्कार किया है, जहां बाद में फजलू भी आ गया था और इन पुलिस वालों के बाद फजलू ने भी रुखसार का बलात्कार किया। ये इंफॉर्मेशन बहुत अहम है। मुझे तो सही तरीके से मौका ही नहीं मिला कि इसे मैं कोर्ट के सामने पेश कर पाऊं। आपको पिछला हफ्ता पूरा दिया गया था, अब आप इस तरह बीच में मत टोकिए। अगर हमें कुछ पूछना होगा तो हम आपसे पूछ लेंगे। अब इन्हें बोलने दीजिए, प्लीज प्रोसीड। जी सर। कुछ देर के बाद एक बड़ा अफसर अंदर आया। एक मिनट, इन्हें कैसे मालूम कि वो बड़ा अफसर था? सुनो, तुम्ही की करो जाने जे ओ बड़ो साहेब छिलो। केनो की दारोगारा सबाई साहेब बोल छिलो सर, क्योंकि बाकी के पुलिस वाले उसे साहेब कहकर बुला रहे थे। और सबाई सलाम कर छिलो और तार सामने आस्ते सबाई दाड़िए गेलो, क्योंकि उनके आते ही सब खड़े हो गए और सबने उन्हें सलाम किया। योर ऑनर, एक तरफ ये कहती है कि इन्हें हिंदी समझ में नहीं आती और दूसरी तरफ इन्हें इतनी बड़ी चीज समझ में आ गई। मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही हैं। मिस्टर शर्मा, मैं काफी देर से सोच रहा था कि आपको तो बतौर सरकारी वकील इस औरत की तरफ से चुना गया है। शायद मैं गलत था, है ना? माय लॉर्ड, मेरा मतलब ये था कि मैं बस। आप आगे बढ़िए। जी सर। उस अफसर ने भी आने के बाद मेरा बार बार बलात्कार किया और वो अफसर छठा मुजरिम जिसने मेरे साथ बलात्कार किया। मुझे ये ठीक से याद नहीं कि उस दिन मेरे साथ
कितने पुलिस वालों ने बलात्कार किया और कितनी बार किया, मैं पूरे होश में नहीं थी। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि रात हो चुकी थी। मैं वापस बलदेव के घर पर थी और वो मेरा बलात्कार कर रहा था। अब मैं ये पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि ये उसी दिन की बात है या अगले दिन की, लेकिन बलदेव और फजलू शराब पी रहे थे और बारी बारी से मेरा बलात्कार कर रहे थे। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये सब कितनी देर तक चला। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों शराब के नशे में धुत होकर मेरे पास ही बेहोश हो गए। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे और जब कुछ घंटों के बाद मुझ में थोड़ी जान आई तो मैं धीरे से खड़ी हो गई। सर, उसी रात रुखसार खातून का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया और फिर अगले दिन उसे कोर्ट में लाया गया था। मिस्टर शर्मा, आपने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं जमा की? मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इनके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, बल्कि इसके शरीर पर मारने पीटने के निशान है। मैं आदेश देता हूं कि रुखसार खातून का दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए और उसने जिन लोगों के नाम लिए हैं उन्हें 15 दिनों के लिए जुडिशियल रिमांड में रखा जाए और इन लोगों को अगली सुनवाई में पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ पुलिस को भी ये आदेश दिया जाता है कि सरकारी खर्चे पर रुखसार खातून को एक सुरक्षित जगह में रखा जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तू यार चिंता करिश ना, भूले जा, आराम कर। जज साहब रुखसार के खिलाफ हुए अत्याचारों के बारे में सुनकर परेशान हुए और अदालत की पूरी कोशिश रही थी कि रुखसार को इंसाफ मिल पाए। ये रुखसार के लिए बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन यहां तो रक्षक ही भक्षक था। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 ब के तहत अगर कोई भी सरकारी अफसर या मुलाजिम किसी महिला के साथ, जो महिला उनकी हिरासत में है, जोर जबरदस्ती करे या उन पर बलात्कार करते हैं तो उन्हें 5 साल तक की कारावास और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सर, हम आशा करते हैं कि आप अपने बीवी को अच्छी तरह से समझा पाए, उन्हें इस केस की गहराई और गंभीरता के बारे में बता पाए, क्योंकि उन्होंने हमारी सारी बातों को अनसुना कर दिया। क्या हो रहा है ये सर, कौन हो तुम लोग? मैडम, आपको लगता है कि हम लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं? आपने तो हमें कोने में ढकेल दिया, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि हम आसानी से हार मानने वाले लोगों में से नहीं, और हमें अगर ये लगा डूब रहे हैं, हम सबको एक साथ लेके जाएं। कहीं आप रुखसार खातून के केस की बात तो नहीं कर रहे? अगर आप उस केस की बात कर रहे हैं तो वो केस मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस केस से कैसे निकले। आपके परिवार को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? 17,000 बलात्कार के पेंडिंग केस है हमारे पास, उनमें कुछ अपराधियों को हम पकड़ लेते हैं और कुछ को नहीं पकड़ पाते। आप जो कर रहे हैं ना, लग रहा है कि ये केस 17,001 हो जाएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए, गेट आउट। बड़ा गुस्सा है आपके अंदर, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये गुस्सा हमें मत दिखाइए, बहुत नुकसान पहुंचाएगा आपको। नहीं, चलो। तुमने उन्हें घर के अंदर आने कैसे दिया देवांजोर? मैंने नहीं, तुमने घर में बुलाया अनु, तुमने ना, तुम हमें इस चक्कर में घसीटती और ना आज यहाँ ये सब होता। मैं इस केस के बारे में अब और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ इस घर में। तुम उस लड़की के लिए फौरन कोई दूसरी ट्रांसलेटर लगवा दोगी और तुम अपने एग्जाम
अपने काम और हमारी बच्ची पर ध्यान दोगी, समझ गई तुम? और उस लड़की का क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसे तो लाखों केसेस होते हैं। उसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर केस के साथ में जुड़ जाएंगे, और वैसे भी ये हमारा काम नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम उस लड़की का बयान ट्रांसलेट करके दे दोगी तो उसे इंसाफ मिल जाएगा? कभी नहीं, ये लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर। पर मैंने रुखसार से प्रॉमिस किया है दीपांजन। हाँ, लेकिन तुमने हम दोनों से भी तो कुछ प्रॉमिस किया। मैं अपने परिवार को इस तरह खत्म होते नहीं देख सकता। पुलिस और रुखसार का मामा मिलकर रुखसार को डरा धमका के इस केस को रफा दफा करना चाहते थे। उन्होंने अनुराधा गांगुली के पति देवांजन को इतना डरा दिया कि वो अपनी बेटी लोपा को लेकर कोलकाता चले गए। इस बात से अनुराधा भी बहुत परेशान हो गई और अपने परिवार की सुरक्षा के दबाव में आकर उन्होंने भी फैसला ले लिया कि वो इस केस को छोड़ देंगी। আমায় এবার যেতে হবে, এর বেশি তোর সাথে থাকতে পারবো না। কিছু দরকারি কাজ আছে, একটা অন্য লোকের তোর সাথে থাকার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছি, সে অনেক ভালো লোক, তোর ভালো খেয়াল রাখবে। কিছু কাগজ জমা দিতে আছে আমায়, এবার আসি। এরা জবের থেকে আমায় নিয়ে গেছিল, রোজ দিন আমার ধর্ম নাশ করা হয়েছে। কি? কিন্তু তুমি তো পুলিশের কাছে ছিলে না? এরা আমায় জোর করছে আমার বয়ান বদলাতে, কিন্তু আমি সেটা করতে চাই না। मिसेस गांगुली, मुझे आपकी ये अर्जी मिली है कि आप इस केस को आगे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगी। नहीं सर, वो गलत एप्लीकेशन है। मेरी अर्जी ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बदला जाए। मिस्टर शर्मा इस केस को नहीं लड़ सकते सर। रुखसार खातून ने कोर्ट से मांग की है कि उनके वकील को बदला जाए। ये वकील बिना वजह केस को भटका रहे हैं और उन पर हुए अत्याचारों को छिपा रहे हैं सर। इसलिए रुखसार ने कोर्ट से कुछ वक्त की मोहलत मांगी है, जब तक उनके लिए नया वकील नहीं मिल जाता है जो कि उनके केस को निष्पक्ष होकर लड़ सके सर। माय लॉर्ड, ये बेवकूफी की बात है। मुझे तो पूरी तरीके से मिसेस गांगुली ने समझाया नहीं मोकिल के केस के बारे में। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इनका एजेंडा क्या है इस केस में। ये पहले दिन से मुझे भटका रही हैं। माय लॉर्ड, मिस्टर शर्मा आप आगे बढ़िए। सर, रुखसार खातून ने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन से निकालकर जुडिशियल प्रोटेक्शन दिया जाए, तब तक जब तक कि ये केस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता और सच सबके सामने नहीं आ जाता। ये कोर्ट रुखसार खातून की दोनों बातों को मानता है और रुखसार खातून को जुडिशियल प्रोटेक्शन देने का आदेश देता है। तब तक एक हफ्ते के लिए ये कोर्ट बर्खास्त की जाती है। मिसेस गांगुली, तब तक आप रुखसार खातून की मदद के लिए यदि कोई दूसरा वकील ढूंढ लें तो कोर्ट आपका आभारी होगा। अदालत ने रुखसार को वकील बदलने की अनुमति दे दी, साथ ही उसे जुडिशियल प्रोटेक्शन भी दिया। लेकिन डिफेंस के वकील ने भी केस में कई कमियां गिना दी। सुनवाई की तारीखें आगे बढ़ने लगी और तब तक जस्टिस मौर्या का तबादला हो गया। इसी मौके का इंतजार आरोपी कर रहे थे और उन्होंने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर रुखसार को पुलिस की निगरानी में ही डलवा दिया। आए दिन उसे डराया धमकाया गया कि वो ये केस वापस ले ले। लेकिन रुखसार ने न हार मानी और ना ही अनुराधा ने। जब अनुराधा को महीनों तक रुखसार से मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने एक नया रास्ता। मिसेस गांगुली, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अगर वो हमारे केस में खामियां निकालेंगे तो हम भी पैतरे बदल सकते हैं। बस आप प्रेस के सामने सिर उठाकर चले जाइए और जो कुछ हो रहा है बता दीजिए। रुखसार को इंसाफ जरूर मिलेगा क्योंकि हमारी पूरी संस्था उसके साथ खड़ी है और आपके साथ भी। थैंक यू। हमारा ये देश हिंदुस्तान
जहाँ एक औरत को देवी की मान्यता दी जाती है, उसी देश में एक मासूम बच्ची रुखसार खातून, जिस पर कुछ मुट्ठी भर अपराधियों ने अपने जोर, अपनी ताकत, अपने रुतबे की आजमाइश की, और आज इतने महीनों के बाद भी उस मासूम बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया है। We want justice! We want justice! We want justice! रुखसार को इंसाफ दो! We want justice! We want justice! We want justice! मिसेस गांगुली, आप इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भिजवाना चाहती हैं? जी सर, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक आरोपियों को सस्पेंड कर दिया जाए और रुखसार को किसी बेहतर जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। सर ठीक है, आप अपने वकील को कहकर रुखसार की कस्टडी के लिए एक एप्लीकेशन दे दीजिए। थैंक यू सर। एमा, আমি এখনো হার মানিনি দিদিভাই, আমি এখনো হার মানিনি। জানি মা, জানি, আমিও হার মানিনি। ইতনা সব কুছ হো জানে কে বাদ রুখসার খাতুন আপকো জরা ভি ডর নাই লাগা? যা কিছু তোমার সাথে হয়েছে ও সব দেখে ওর পর তোমার ভয় করেনি? আমার উপর এত ঝড় গেছে যে হাওয়ার গাছ হয়ে না। ইনহোনে মেরে সাথ জো কুছ ভি কিয়া উসসে জ্যাদা বুরা ইয়ে অর ক্যা কর সকতে থে। রোনা, রুখসার খাতুন কা স্টেটমেন্ট হামনে পুরি তরহ সে সুনি হে অর মেডিকেল রিপোর্ট কে মুতাবিক ইন অপরাধিও নে উসকে সাথ বার বার বলাৎকার কিয়া হে, উসে কাই বার বেচা অর খরিদা গয়া হে। রোনা, মাই আপসে দরখাস্ত করতা হু কি ইন অপরাধিও কে সাথ সাথ বচে হুয়ে অপরাধিও কে ভি জুডিশিয়াল রিমান্ড মে লিয়া জায়ে। রুখসার খাতুন, क्या आप बाकी बचे हुए अपराधियों को पहचान सकती हैं, उनकी शिनाख्त कर सकती हैं? तुमी की ओई अपराधी देर चिंते पार बे? हैं, चिंते पार बो। हाँ। ठीक है, तो रुखसार खातून, जुडिशियल ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत उन बचे हुए आरोपियों की शिनाख्त करेगी। द कोर्ट इज adjourn. Your Honor, रुखसार खातून सिर्फ इस केस से इन ईमानदार और जिम्मेदार लोगों का नाम खराब करना चाहती है। दोनों ही पक्षों के वकीलों ने जज के समक्ष अपनी अपनी सफाई पेश की। मुजरिम पक्ष के वकील ने अपना पूरा जोर लगा दिया और तमाम सबूतों और बयानों को मैंने सुना। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि इन तमाम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केस की सुनवाई इन सभी के बयानों के बाद होगी और ये सुनवाई आज से ठीक एक महीने बाद की जाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। रुखसार के इस केस में जब भी उम्मीद का चिराग बुझने लगता, अनुराधा उसमें नई जान डालने की हर मुमकिन कोशिश करती। महिला संगठन का सहारा लेना भी उसी की कोशिश का एक अहम हिस्सा था। यह कोशिश हर उस महिला या लड़की के लिए एक सीख है जो इंसाफ की लड़ाई में अकेली है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो महिलाओं की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं।
ऐसी संस्थाओं का सहारा इंसाफ को अंजाम तक पहुंचाने में आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। रुखसार मोहम्मद के बलात्कार और शोषण का केस अब भी चल रहा है, उसके गुनहगारों को अब तक सजा नहीं सुनाई गई, लेकिन इंसाफ की चाहत जब दिल में जज्बे की तरह धड़कने लगे तो मंजिल दूर नहीं होती। रुखसार अब उस बुरे दौर से पूरी तरह निकल चुकी है, उसने अपनी जिंदगी को नई सिरे से सजाना शुरू कर दिया है। वो मुंबई में ही रह रही है, मुंबई में ही काम कर रही है और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। अनुराधा गांगुली के पति भी वापस उनके पास लौट आए हैं और महिला संगठन के साथ मिलकर वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। मुमकिन है जल्द ही इंसाफ की इस जंग का फैसला रुखसार के हक में आए और उसके गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच जाए। मिलेंगे कल फिर जुर्म और जंग की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार।